जहां एक ओर सरकार बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, वहीं प्रशासन की उदासीनता के चलते विदिशा जिले के ग्राम लटेरी के बालक माध्यमिक शाला के बच्चे पानी के लिए मोहताज हैं। लटेरी के बालक माध्यमिक शाला में बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद पानी पीने के लिए स्कूल से दूर जाना पड़ता है, जबकि शाला का हैंडपंप होते हुए भी बच्चे पानी के लिए तरसते हैं। 3 साल से हैंडपंप खराब पड़ा है। हेडमास्टर द्वारा नगर परिषद को अवगत भी कराया गया, लेकिन 3 साल में हैंडपंप ठीक नहीं हो सका। नगर परिषद की लापरवाही और उदासीनता का खामियाजा बालक माध्यमिक शाला के बच्चे भुगतने को मजबूर हैं। वहीं परिसर में सफाई ना होने के कारण पानी भरा हुआ है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कुरवई से आशीष सहल की रिपोर्ट। लेकिन वो खराब हो गया। कब से खराब पड़ा? कम से कम 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल में अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया, किसी ने सुधरवाया नहीं? किसी ने सुधरवाया। नगर पालिका में भी आवेदन दे चुके हम, और चुनाव के टाइम पे अधिकारियों से भी हमने कहा था भाई सुधरवा दो। तो यहाँ पानी का टैंकर रखवा देते हैं चुनाव में, लेकिन हैंडपम्प ठीक हुआ। मतलब सभी अधिकारी भी आकर देखते हैं, लेकिन है ना ध्यान कोई नहीं देता। ध्यान किसी ने दिया? नगर पालिका की अनदेखी के चलते बच्चों को गंदे दिए। बिल्कुल पानी भी जी जी होता जाना। बिल्कुल नगर पालिका गंदे दिए।